हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई खुशखबरी के साथ में। कई सारे बच्चों ने हमें कमेंट किए, मैसेज किए, अपनी एप्लीकेशन पर जाके ये फोटोज भेजने लगे, व्हाट्सएप पे भेजे कि भैया एग्जामिनेशन फॉर्म आ गए, यानी अब पेपर भी पड़ोस में ही है। तो चलिए सर, एक वीडियो इस पर बना देते हैं, आप तक जानकारी पहुंचा देते हैं। और जितने भी बच्चे MJPRU वाले, हमारी तरफ यही यूनिवर्सिटी लगती है सर, ठीक है, तो जितने भी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए अब कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है, स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर BA, BSc, BCom या BBA जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, 31/1/2023 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट यहां पे दे रखी है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर जाएंगे, ठीक है। आपके शुल्क जो है वो आप कटवा सकते हैं ATM से या किसी भी चीजों से, ठीक है सर। उसके बाद अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उपलब्ध होने की जो तिथि है वो कब है, 31 तारीख तक है, ठीक है सर, 31 तारीख से है, ठीक है सर। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि कब तक है, 13 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने वाला मतलब पूरा प्रोसेस निपटाने की जो तिथि है वो कितनी है, 14 तारीख है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे दिन वाले दिन जाइए फीस लेके और आराम से जमा करके आइए सर, ठीक है, क्योंकि यही अपनी मोहब्बत है, ठीक है, क्योंकि जो इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, पेपर का इंतजार तो होगा बच्चों का ना, कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद महाविद्यालय द्वारा फाइनली जो अप्रूवमेंट करने की तिथि है वो कितनी है, 16 तारीख, यानी सारा प्रोसेस आपका 16 तक हो जाएगा, फिर थोड़ी बहुत डेट बढ़ती है जो लोग छूट जाते हैं इस तरीके, यानी मान के चलिए ओवरऑल प्रोसेस जो है आप 16 तक ही कर लें, ये नहीं इंतजार कर रहे डेट बढ़ेगी तब जाएंगे, नहीं, लेकिन हाँ अगर बढ़ती है तो 20 तारीख का एवरेज मानिए, 20 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जो भी कुछ आप जमा करेंगे ना सर, वो ये देखिए जमा करें, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जो है वो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी नहीं भेजी जाएगी, आपका सिर्फ कॉलेज रख लेगा, क्यों, क्योंकि सत्यापित करके महाविद्यालय अपने असुरक्षित रखेगा ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे, ठीक है भाई। यानी कुल मिला के अगर एक मोटा मोटा हम लोग अंदाजा लगाएं तो 20 फरवरी तक ये सारा ड्रामा जो है वो हो जाएगा। और आपको ये याद रहे कि होली जो है वो कब है, 8 मार्च को, ठीक है, तो हो सकता है आज के पेपर होली से पहले पहले हो जाएं। क्यों सर बताइए कैसे, क्योंकि आपके पेपर होने में बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं पता कि कितने पेपर होंगे, तो अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में है तो एक पेपर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, वरना एक जूलॉजी का, एक बॉटनी का, एक केमिस्ट्री का, बात खत्म हो गई, 3 पेपर होने हैं। और पेपर 3 क्या आज कल परसों हो जाए तब भी क्या दिक्कत है, अगर छुट्टी देते भी हैं तो अगर एक हफ्ते के अंदर भी पेपर कराएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी आप मान सकते हैं अगर आपके पेपर 27, 28 या कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 1 मार्च से शुरू हुए, 5, 6, 7 मार्च तक खत्म हो गए, कभी कभी ऐसा भी होता है यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं बीच में होली पड़ जाती है, तो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी पेपर अब मान के चलिए बिल्कुल करीब आ गए हैं BSc वालों के, ठीक है, यूपी बोर्ड भी 16 तारीख से है, उनके लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी है और आपके लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी है। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉर्म वगैरह अपना सब कुछ रेडी कर दीजिए। और बच्चे, एक बच्चे ने हमें मैसेज किया, सर हम तो BSc छोड़ने की प्लानिंग में, क्यों, क्योंकि तैयारी नहीं। अबे यार सारी चीजें हमने बना रखी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी की हमने आज 8 वीडियो पब्लिक करी है, बॉटनी है, सब कुछ बना हुआ है, टेलीग्राम पे जाइए BDKD BSc सर्च कर लीजिए, सारा कंटेंट, सारी PDF सब कुछ वहां पे पड़ा हुआ है, मन लगा के पढ़िए और तैयार हो जाइए, जो भी दिक्कतें उन्हें हम लगातार सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।